हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ रेस स्पाइरल डेजी। ये मैंने इसमें सिंगल स्ट्रैंड वाला धागा यूज़ किया है, और ये मैं जो बनाऊँगी इसमें मैंने सिक्स स्ट्रैंड वाला लिया है धागा, जो कि एंकर का है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे लिए हमें ये बड़ा सर्कल पहले बनाना है, और इसके बीच में हमें ये छोटा सर्कल बनाना है, जिसको हम रेस्ट करेंगे यानी उभार लाएंगे। इसमें इसके लिए हम सबसे पहले इसे अपनी आप अपने हिसाब से रेस्ट करना है। हम पहले इस साइड से करेंगे और फिर यहाँ से इस साइड। और ज़्यादा आप उभार लाना चाहते हो तो यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से क्रॉस करेंगे, लेकिन मैं अब इतना ही करूँगी। अब बीच में से यहाँ से हम निडल को ऊपर लाएंगे और फिर ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं यहाँ पे मैं चेन लूँगी, सिंगल चेन इस तरह से। फिर वापस हम बीच में से ही सुई ऊपर निकालेंगे हमें। थोड़ा आराम से करना होगा क्योंकि ये बीच का जो होगा वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। ये इस तरह से चेन कंप्लीट हुई। अगर आप चाहो तो सेम कलर से भी बीच में फिल कर सकते हो, लेकिन कंट्रास्ट थ्रेड लोगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं मेरा कलर चेंज करूँगी यहाँ पे। अब बीच में मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी। इसके लिए हम
यहाँ से मनीडल ऊपर निकालेंगे, यहाँ से आएगी ऊपर, और यहाँ से इस तरह से यहाँ से पास होके ये एक और ये दूसरे में से हम बाहर निकालेंगे। इस तरह से हमारा स्टिच आएगा। अब यही तरीके से हम ये वाला जो है यहाँ से दूसरे में से हम निकालेंगे। अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसी सेम प्रोसेस से मैं दूसरा राउंड स्टार्ट करूँगी। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से दो दो में से पास करना है। अब यहाँ से हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। ये मेरे यहाँ पे 5 राउंड कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको ये चेन ज़्यादा दिखानी हो तो आप 5-6 राउंड करके स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं अभी आपको दिखाने के लिए 1-2 राउंड और करूँगी।
और फिर यहाँ से हम हमारा जी राउंड कंप्लीट होता है, फिर यहाँ से हम नीचे निडल को डाल के इस तरह से हम पीछे लॉक लगाएंगे। फ्रेंड्स जब बनने के बाद इस तरह का लगता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।